हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करवाऊंगी आपको क्लास 9 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। इसमें ये फिगर गिवन है हमें, इसमें बोला गया है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी और क्यू ए बी के ऑपोजिट साइड के पॉइंट हैं, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। और वो ऐसे है कि हर जो पी और क्यू दोनों हैं वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट पे हैं। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है इसमें, पी ए इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इक्वल टू क्यू बी क्यू, ये गिवन है। पी ए इक्वल टू पी बी, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। शो दैट लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो पी क्यू है वो ए बी पे बाइसेक्टर भी है और ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, मतलब जो ए सी इक्वल टू सी बी। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी ना, मतलब ए सी और सी बी इक्वल होंगे। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। इसमें देखेंगे आप जो ए पी इक्वल टू पी बी है, ये हमें गिवन है, ये जो चीज़ थी। उसके बाद ए क्यू इक्वल टू बी क्यू है, ये भी गिवन है हमें। और जो पी क्यू है वो दोनों में कॉमन है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, तीन साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, ये प्रूफ हो गया हमारा। अगर कोई भी जो दो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये तीन साइड तो हमें इक्वल मिल गई, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी पी क्यू के, इस एंगल के कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पी ए सी और ट्रायंगल पी बी सी, मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, इसमें पी ए और पी बी तो इक्वल है, हमें गिवन है ये चीज। और जो इनके एंगल है वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए पहले, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ पर लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1। और जो पी सी पी सी है ये कॉमन है दोनों में। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, जो इनके साइड से एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब जो ए सी है वो बी सी के इक्वल होगा। एक पॉइंट हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा एक चीज़ प्रूफ हो गई जो हमें एक पॉइंट प्रूफ करना था। और एक पॉइंट अभी भी रह गया कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। यहाँ पर देखिए, जो एंगल ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो ये वाला एंगल है एंगल ए सी पी और एंगल पी सी बी, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो बस आपको ये लिखना है, और वो किस प्रॉपर्टी से होंगे, बाय सी पी सी टी।
एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी बाय सी पी सी पी। और आप देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल देखिए, जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसकी जगह हम एंगल ए सी पी ही लिख सकते हैं ना, एंगल बी सी पी की जगह 180 डिग्री। ट्राइस ऑफ एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है। आप देखिए, अगर ए सी पी 90 है तो बी सी पी भी तो 90 होगा, दैट मीन्स पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो यहाँ पर हमारा दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, एक हमें इक्वल प्रूफ करना था और परपेंडिकुलर। हमें प्रूफ करना था कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें भी जो फिगर गिवन है पहले मैं वो बना देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस एल एंड एम, मतलब दो लाइंस हैं एल और एम, और पी एक पॉइंट है जो एल और एम से इक्विडिस्टेंट है, और एल और एम एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें शो क्या करना है, ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। तो हमें ये बताना है कि जो ये लाइन ए पी है, ये जो दो लाइन एंगल बना रही है इनको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपके। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि जो बी पी है वो सी पी के इक्वल है, ये हमें फिगर में भी बना के दिया हुआ है, तो बहुत ही ईजिली हम पता लगा सकते हैं इसको। और हमें शो क्या करना है कि जो पी ए है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी के। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी ए सी, पी बी इक्वल टू पी सी ये हमें गिवन है, ये गिवन है। ए पी ए पी कॉमन है, और एंगल पी बी ए और पी सी ए ये 90 डिग्री का गिवन है। ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री के एंगल का होता है। ये भी गिवन है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्वेक्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे साइड्स और जितने भी बचे हुए एंगल है वो सब इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। और बस यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स खत्म होते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।